टू माई चैनल ग्लैम विद मी, मैं हूँ मोनोस्विता। राइट, अभी भी मुझे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा नाम क्या है। एक्चुअली एवरी डे कुछ ना कुछ लोग जो है आपके चैनल के साथ इंक्लूड होते जाते हैं, तो इसीलिए उनको पता नहीं रहता है। और कल ना हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बनाऊंगी खाना। वो लोग बंगाली है और फाइनली जाके हम लोगों को बंगाली फ्रेंड्स मिल गए हैं। वो कौन है क्या है वो तो मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगी। आज के वीडियो में मैं वो दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या क्या खाना बना रही हूँ। कुछ खाना जो है मैं आज, अभी शाम हो रहा है ना, तो रात को ही बना के रखूंगी, क्योंकि कल वो लोग बहुत सुबह सुबह आएंगे, तो सुबह सुबह मैं सब कुछ नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद मैं बात नहीं करके खाना बनाती रहूंगी किचन में जाके, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ चीज़ें जैसे चटनी, ये सब कुछ मैं अब बना सकते हो, सो वो सारी चीज़ें मैं बना के रखूँगी। उसमें से कुछ चीज़ें, नई नई रेसिपी है, शुक तो पता है आपको, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर फिलहाल मैं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, भी साढ़े छः पटा बजे को, छोटा पौने होने की 6:15 हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा निकलेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ ख़रीदना है, और सोच रहे हैं पास में एक पार्क है उधर भी घूम के आएंगे, तो चलिए निकलते हैं। आ गए हैं हम लोग, और मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पोटैटो, ये क्या है, लौकी, तरबूज, भिंडी। और मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि तुम प्लास्टिक बैग को प्लीज अवॉइड करो, तो हम लोग जो है वो प्लास्टिक बैग में नहीं लाते हैं, दुकानदार ही ऐसे देते हैं। हम लोग बड़ा वाला जो कपड़े का बैग होता है ना, वही लेके जाते हैं, बट दुकानदार ऐसे ही देते हैं। हम अगर मना भी कर, एक्चुअली क्या होता है ना, कई कई जगह पे ऐसे प्लास्टिक में ना वो लोग वेट करके रख देते हैं कि ये, मतलब ये प्लास्टिक का ये 10 रुपया, ये 20 रुपया, ऐसा करके ऐसे सेल होता है मैक्सिमम। और हम लोग मना भी करें ना, तो वो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि प्लास्टिक नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हिंदी वो लोग समझ लेते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि समझाने में कि प्लास्टिक से खोल के बैग में डाल दो, नहीं समझते हैं, तो इसीलिए लेना पड़ता है। सो हम लोग स्पार फार में जब जाते हैं, हाइपर मार्केट, तब तो उधर की प्लास्टिक हम लोग कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपना बैग है, कपड़े वाला जो बैग होता है ना, वो ही उससे कैरी करते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी सुक्तो, उसके बाद मैं बनाऊंगी काचकोलार खोसा बाटा, ठीक है। तो फटाफट वो दो रेसिपी मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद बात करते हैं। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक तवे पे ये राई आप देख रहे हैं, मतलब सरसों, और ये है अजवाइन की तरह दिख रहा है ना, ये अजवाइन नहीं है, ये राधुनी है। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैंने 1/4 चम्मच छोटे चम्मच के लिया है, और इसको मैं ऐसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ एक तवे पे। 10 से 15 सेकेंड तक ड्राई रोस्ट करने से ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। सो इस तरह से हो गया है। अगर आपके पास हमान दिस्ता है ना, तो उससे आप बना सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में डाल सकते हैं, पर आपको बहुत ही कम करना है। मैं, और नहीं तो आपके पास अगर हमान दिस्ता नहीं है, तो रोटी बेलने का जो बेलन होता है ना, उससे भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा कूट लीजिए। आप देखिए एकदम दानेदार है यहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट वेस्ट नहीं बनाया है, बस इस तरह से बनाना है। सुक्तो में मैं ये सब्जी डालूंगी, सारे सब्जी को काट के मैं पानी में रख दिया है। क्या क्या सब्जी मैं दिखाती हूँ, अच्छा ये है करेला या तो उच्छे, ये अलग से है, इसको मैंने पानी में नहीं रखा है, एक लिया है मैंने। और सारे सब्जी को मैंने कैसे पीसेस में चॉप किया है ये दिखाने के लिए एक एक रख दिया है। ये पपाया है, रॉ पपाया, ये रॉ बनाना है मतलब काचकोला, ये पेपे है बंगाली में, ये आलू, पोटैटो, गाजर, बैंगन, ये है, और इसमें ड्रमस्टिक दिया जाता है, वो तो मैंने दिया नहीं। और सारी सब्जी को मैं अभी पानी डाल के बॉईल करूंगी, और इसको एक सीटी भी मैं नहीं लगाऊंगी, उससे भी कम, जब सीटी आने लगेगा तभी मैं ऑफ कर दूंगी, नहीं तो ये ज़्यादा बॉईल हो जाएगा।
सब्जी मेरा बॉयल हो गया है, स्टीम रिलीज मैंने नहीं किया है, एक सीटी आने से पहले मैंने उठा दिया था। और इधर पे मैंने ऑयल को ऑयल दिया है एक चम्मच, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है, इसको पूरी बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके उठा के रखूंगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग। तो ये फ्राई हो गया है, नेक्स्ट मैं करेले को डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको मैं फ्राई करूंगी। और मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, तो आप लोग बोलते हो कि कैसे एक लीटर ऑयल में हो जाता है, तो देखिए मैंने कितना कम ऑयल में मैं इसको फ्राई कर ली हूँ। थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाएगा। सो यू कैन सी करेला भी मेरा फ्राई हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप चाहे तो ऑयल है, अगर आपको लग रहा है कि ऑयल नहीं है तो थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए। तो मैं इसके अंदर एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने, और तेज पत्ता से हल्का सा फ्लेवर निकलने लगे तभी मैं डाल दूंगी। ये जो मैंने बनाया था कुछ देर पहले वो, इसको मैंने 10 सेकंड तक फ्राई किया। ये फ्राई हो गया है, और मैं जो फ्लेम है उसको एकदम लो रखती थी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये बॉइल्ड सारे सब्जी को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। इधर मैंने इतना सा दूध लिया है, और इस दूध में मैं डालूंगी सरसों का पेस्ट, करीब 2 चम्मच के करीब मैं सरसों का पेस्ट यहाँ पे डालूंगी, मतलब 2 चम्मच सरसों को आप पेस्ट बना लीजिए इतना सा। और मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब घी, और इतना सा घिसा हुआ अदरक, और इन सारी चीजों को मैं मिला लूंगी अच्छे से। और दूध में ना घी डालने से दूध थोड़ा सा फट जाता है, तो दूध में ये मिलाने के बाद ही आपको डाल देना है, नहीं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि दूध क्यों फट गया है। मैंने इसको डाल दिया है, और डाल दूंगी मैं नमक। एक्चुअली मैंने सब्जी में पहले थोड़ा सा नमक नहीं डाला था, तो अभी डालना पड़ेगा। सुक्तों में बहुत सारे लोग जो है वो हल्दी नहीं डालते हैं, पर हम डालते हैं, इसीलिए मैंने डाल दिया है। अगर आप नहीं डालते हैं तो मत डालिए, आपको व्हाइट व्हाइट सुक्तों चाहिए तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा का घोल बना लिया है। आप अगर मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इस पानी को हमें थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, तो इसीलिए मैंने इस घोल को डाल दिया है इसके अंदर, और इसको अभी थोड़ा सा और मिक्स करूंगी जब तक कि ना ये गाढ़ा बन जाए इसका ग्रेवी। और सब्जी एकदम बॉयल हो गया है, आप एक बार चेक कर सकते हो इस टाइम पे। हाँ, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। पानी काफी सूख गया है, तो इसी टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और मैं डाल दूंगी ये बड़ी जो मैंने पहले फ्राई करके रखा था, और बाकी जो वाटर है ना, ये जो ये डाला मैंने बड़ी बोलते इसको, ये सोक कर लेगा। और इसको ऊपर से कुछ नहीं डालना है, धनिया पत्ता भी नहीं, कुछ नहीं, बस इसमें इसका ही अच्छा लगता है और ये कड़वा बनता है। सो नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कच्चे केले के जो छिलके होते हैं उसका एक खट्टा मीठा नहीं तीखा वाला नमकीन वाला चटनी। तो ये आप देख सकते हो कच्चे केले के जो छिलके हैं उसको मैंने थोड़ा सा हाथों से ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दिया है नमक और थोड़ा सा पानी में, पहले इसको मैं उबाल लूंगी। सो इसको मैंने 3 से 4 सीटी लगाती हूँ, आज 4 लगाया है, डिपेंड करता है कि कैसे मतलब कितना स्टीफ है उसके ऊपर। और इधर पे आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, 4 कलियां लहसुन के, और कलौंजी मतलब कालो जीरे, इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी लहसुन जब तक ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैंने ये जो बॉयल किया था मैंने छिलके को रॉ बनाना का, उसका एक्सेस वाटर फेंक दिया है और मिक्सी के जार में ले लिया है, और एक्चुअली थोड़ा सा ठंडा करने के लिए टाइम देना चाहिए। और इधर पे जो मैंने दिखाया सूखी लाल मिर्च लहसुन और कलौंजी का,
उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। कलौंजी आपको पूरा अगर आप उठा सकते हो तो सही है, अगर नहीं उठा सकते हो कढ़ाई में थोड़ा सा रह रहा है तो रहने दीजिए, बाद में जब इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा और कुक करेंगे इसी कढ़ाई में इसी ऑयल में और कलौंजी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर आप थोड़ा सा इमली, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका प्यूरे बना लूँगी। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और इमली की जगह पे आप डाल सकते हैं लेमन भी। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जब मैंने इसको बॉईल किया था नमक डाल के किया था, तो अभी नहीं करूँगी, इसके अंदर नमक नहीं डालूँगी। तो इस तरह से पेस्ट बन गया है, तो फिर से इसी ऑयल में इसको मैं डाल दूँगी। इसको अभी मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, और मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया था, ताकि मतलब मिक्सी में चिपक जाता है ना, तो इसीलिए इसको एकदम मुझे एकदम सूखा एकदम डो जैसे बना लेना है। तब तक जब तक कि मैं डो बन जाता है तब तक मैं इसे कुक करूँगी, और मैं थोड़ा सा इसके अंदर चीनी भी डालूँगी क्योंकि ये खट्टा मीठा काइंड ऑफ होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, बस थोड़ा सा ही डालूँगी। इस टाइम पे आप नमक और हरी मिर्च मतलब सॉरी कितना तीखा है वो भी चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि और थोड़ा सा तीखा खाएंगे तो एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इसको ऐसे बस हिलाते रहना है। तो ये बन गया है, आप देख सकते हो एकदम डो जैसा बन जाता है, तभी आप समझ लेना कि ये बन गया है। इसको मैं अभी उठा के रख दूंगी। हाँ थक गई हूँ मैं। तो क्या होता है कि आज ना हमें निकलना नहीं चाहिए था, पर मेरा मन होता है हस्बैंड अगर जल्दी आते कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो इसी चक्कर में लालस आ जाता है, मैं घूमने निकल जाती हूँ। और मैंने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किया है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ पर अभी, और अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हवा भी देते हैं शाम के टाइम पर, तो इसीलिए पिछली बार ऐसा हवा भी नहीं चलता था, पिछली बार बहुत हम लोग फेस किया था, इस बार थोड़ा सा कम है शायद क्योंकि हवा आ रही है। ओके, तो सुक्तों के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। इसमें ड्रमस्टिक मस्ट होता है, पर मैं ड्रमस्टिक नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्रमस्टिक पसंद नहीं है। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैं सांभर में भी नहीं डालती हूँ, हम लोग ड्रमस्टिक खाते ही नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बुढ़े इंसान है ना, दांत में प्रॉब्लम हो जाता है उसको, दांत में अटक जाता है ड्रमस्टिक, मतलब बंगाली में शोजने डाटा। मुझे नेल पॉलिश क्लीन करना है क्योंकि वो लोग कल आने वाले हैं, और कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, आप लोग मिस करोगे ना तो मतलब मिस ही कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट डे को डालूंगी, हो सकता है मैं एक दिन बाद डालूं क्योंकि हम लोग इस व्लॉग को जब एडिट करने का टाइम आएगा उस घर में शिफ्ट कर रहे होंगे, तो मेरा घर ना अभी पूरा चारों तरफ सब कुछ कपड़े बपड़े फैला हुआ है, और उसका कारण ये है कि हम लोग तो शिफ्ट करने वाले ही है, सो मैं इसीलिए सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं काम कर रही हूँ, मतलब मेसी हो गया है क्योंकि सब कुछ निकाल के एक किसी मतलब जगह पर अरेंज करके हमको उस वाले घर पे लेके जाना है। पीछे मतलब एकदम पास में ही घर है ना, तो उतना भी हम लोग पैक नहीं करेंगे, बस एक टेम्पो वाले को बुलाएंगे और एक चद्दर में, वैसे तो हम लोगों के पास उतना कुछ है नहीं लेने वाले, तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग एक चद्दर में कुछ पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, मेरे हस्बैंड आके तय करेंगे। तो ख़राब भी लग रहा है यार सही में, ये घर में ना एक मतलब मेमोरीज जुड़िया हुआ है, शादी के बाद पहली बार ये घर में आए थे ना। ठीक है, उस घर तो हम लोग ही चाह रहे थे ना कि नए घर पर क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता रहता है। सो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया है और नेल पॉलिश भी पहन लिया है, ये बहुत प्रिटी सा रेड कलर है ना, आई नो आप लोग पूछोगे, ये है फेसेस कनाडा का स्प्लैश मेरा ना, मेरे पास मतलब फेसेस का बहुत सारा नेल पॉलिश है, और इसका शेड है 63, नाम है हॉट पैप्रिका, बहुत प्रिटी लग रहा है कलर मुझे। इस हैंड में ना मेरा नेल ज़्यादा बड़े बड़े हैं, अच्छा लग रहा है ना। ओके, तो और एक चीज़, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हो कि मोनोश्विता तुम्हारे मुंह में जो पिंपल्स थे उसके स्कर्स थे तो बहुत हल्का हो गया है, कैसे हो गया है?
मैंने एक वीडियो बनाया था माई पीपल स्टोरी ऐसा कुछ नाम था शायद, तो उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं और एक वीडियो एक्चुअली मैं बना के गई थी कोलकाता जाने से पहले, बहुत पहले का वीडियो है पर उसको मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो वो वीडियो मैं ब्रीफली दिखाऊंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। क्वेश्चन आ रहा है सो उस वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, स्पेशली पीपल्स का प्रॉब्लम जो है ना मोस्ट ऑफ द मतलब जो टीनेज में हेयर होता है स्कूल या कॉलेज में जाते हैं उनके उनको सबसे ज़्यादा होता है और उनके पास उतना पॉकेट मनी नहीं रहता है कि बहुत महंगी प्रोडक्ट यूज़ करें। और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सुन रहे हो क्या? शायद नहीं आ रहा है आवाज़। अभी ना थोड़ा सा बारिश हुआ था, मैं बाहर लेके चलती हूँ आपको, थोड़ा सा बारिश हो गया था तो बारिश होने से ना वेदर अच्छा बन गया है, बहुत हवा आ रहा है और हम लोग वो वाले घर पे शिफ्ट होने वाले। हाँ ये वाला बड़ा सा है बहुत। दिन में दिखाना, रात में क्यों आएगा? दिन में मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड बोल रहे कि रात में क्यों दिखा रही हो दिन में दिखाना, तो दिन में तो मैं दिखा चुकी हूँ ना आप लोगों को, अगर मुझे आप लोग फॉलो करते हो पहले से तो आपको पता रहेगा। और आप थोड़ा सा वेट कर ही लो, मैं आपको खाली एम्प्टी रूम टूर तो करवाऊंगी। सो आई होप कि आज का ये छोटू मोटू सा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा है और अभी मेरा नेल पॉलिश का कलर बहुत सुंदर सा आ रहा है। और हाँ पिंपल्स की जो मैं बात कर रही थी वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, उसको एडिट कर लिया है सो उसमें आप देख लेना मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। फिर भी अगर आपको इंस्टेंट एक मैं कुछ बताना चाहूँ तो पिंपल्स के स्कोर्स के ऊपर आप देखो मेरे अभी बहुत हल्का हो गया है, पिंपल्स के स्कोर्स के ऊपर ना आप पोटैटो को घिस के उसका जो मतलब रस होता है उसको लगा के रख सकते हो, दिन में दो बार ऐसा कर सकते हो, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद उसको आप क्लीन कर लो तो उससे भी ना पिंपल्स स्कोर्स बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।